डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉर्डाटा फाइलम के वीडियो के बाद जो आपका वीडियो तैयार होने जा रहा है वो है आपका मतलब वर्टीब्रेटा के अंदर का क्लासेस। मैंने कल कॉर्डाटा का क्लासिफिकेशन बताया था। मैंने कॉर्डाटा को कितने पार्ट में बांटा था? कॉर्डाटा को मैंने स्टार्टिंग में दो पार्ट में बांटा था, एक क्रेनियाटा और प्रोटो कॉर्डाटा, दूसरा क्रेनियाटा और यू कॉर्डाटा। ओके, तो एक क्रेनियाटा और प्रोटो कॉर्डाटा में किसको किसको रखा था? यूरो कॉर्डाटा और सिफेलो कॉर्डाटा को। क्लियर है? यूरो कॉर्डाटा में आपने क्या देखा था? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन। और सिफेलो कॉर्डाटा में क्या देखा था? नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये आपने देखा था। फिर मैंने यूरो कॉर्डाटा का आपको एग्जाम्पल बताया था, पंकज तू भी उदास है, उसमें सारा आपको एग्जाम्पल आ गया था, उसके लिए आप अगेन वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद यूरो कॉर्डाटा हमने बताया था ट्रिक एवीसीएल, सारे एग्जाम्पल उसके थ्रू याद हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले थे यूरो कॉर्डाटा और सिफेलो कॉर्डाटा पढ़ने के बाद हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन करके छोड़ दिया था हमने। फिर इधर यानी कि क्रेनियाटा, क्रेनियाटा जिसको आप यूरो यू कॉर्डाटा बोलते थे, क्रेनियाटा और यू कॉर्डाटा में एक सिंगल सब फाइलम हमने देखा था, उसका नाम था वर्टीब्रेटा। वर्टीब्रेटा को दो ग्रुप में बांटे थे, एग्नाथा और गेंथोस्टोमाटा। एग्नाथा का मतलब जॉ लेस और गेंथोस्टोमाटा का मतलब वर्टीब्रेट विद जॉ, ठीक है। और एग्नाथा में एक सिंगल क्लास था, कौन? साइक्लोस्टोमाटा। और क्या था गेंथोस्टोमाटा में? एक सुपर क्लास था पाइसेस, जिसके अंदर दो क्लासेस थे, कौन कौन? ऑस्टिक थाइस, कॉन्ड्रिक थाइस, मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। फिर उधर कौन बच गया था? टेट्रापोडन्स। और टेट्रापोडन्स को मैंने कैसे बांटा था? दो पार्ट में, ठीक है, एमनियोटा और एनएमनियोटा। एनएमनियोटा में कौन था? एम्फीबियंस। एनएमनियोटा में कौन था? एम्फीबियंस। और एमनियोटा में कौन था? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो हम लोग इतना क्लासिफिकेशन जान गए थे और अब उसी के बेसिस पे हम तीन ग्रुप का, तीन क्लास का, एक क्लास है किसका? एग्नाथा का। एग्नाथा में एक ही क्लास ही है साइक्लोस्टोमाटा। और दो क्लास हम लेके चल रहे हैं किसका? सुपर ग्रुप पाइसिस का, जिसमें एक है कॉन्ड्रिक थाइस और एक है ऑस्टिक थाइस। इन्हें तीन क्लास का हम आज के वीडियो में पूरा का पूरा कैरेक्टर पढ़ेंगे। पहला साइक्लोस्टोमाटा यानी ऑल एनिमल्स आर इक्टो पैरासाइट ऑन फीसेस, और फिर फीसेस जिसपे इक्टो पैरासाइट ये है, उस फीसेस की भी कहानी पढ़ेंगे दो ग्रुप के द्वारा। एक का एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज का, एक का एंडोस्केलेटन बना है बोन का, एक को बोलते हैं कार्टिलेजन फीसेस, एक को बोलते हैं बोनी फीसेस, ठीक है। तो यानी कि तीन ग्रुप का चर्चा हम करेंगे। ये तीन ग्रुप हमारे सामने है, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, और ये सब में जो टर्म आएंगे उधर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा, ठीक है, सही समझ में आ जाएगा। अब देखिए कहा था सब साइक्लोस्टोमाटा, ये साइक्लोस्टोमाटा कहने की बात अब नहीं है, ये आपको पहले से याद हो गया कि एग्नाथा ग्रुप का है, लेकिन इसमें जॉ नहीं होता, इसमें जॉ नहीं होता साइक्लोस्टोमाटा में, ठीक है। इसका माउथ सक्टोरियल टाइप का होता है, ठीक है। तो पहले आइए साइक्लोस्टोमाटा, ये जो नाम है साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, ये साइक्लोस्टोमाटा जो नाम है, ये साइक्लोस्टोमाटा क्या है? साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, इसका मतलब क्या होता है? सर्कुलर, ये होता है सर्कुलर। और स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग से यहां पे मतलब है माउथ, ठीक है। तो कहता है यहां पे सर्कुलर माउथ है, ठीक है, सक्टोरियल माउथ है, सक्टोरियल माउथ है। क्यों? कहता है इसके सारे मेंबर्स, ठीक है, ऑल मेंबर्स आर इक्टो पैरासाइट, ऑल मेंबर्स आर इक्टो पैरासाइट, इसके सारे मेंबर इक्टो पैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर? ओवर फीसेस, ठीक है, फीसेस के ऊपर इसके सारे मेंबर क्या होते हैं? पैरासाइट के रूप में।
तो पहला पॉइंट देखिए, ऑल आर इक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ओके, कहता है इलोंगेटेड बॉडी, ठीक है, लंबी बॉडी होती है, 6 to 15, याद रखिएगा नंबर, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, रिस्पायरेशन के लिए यहां पे क्या पाया जाता है, गिल स्लिट्स, यानी फेरिंग्स के पास ओपनिंग, ओके। फिर उसके बाद कहता है सकिंग सर्कुलर माउथ, वो आपको बताइए सर्कुलर माउथ विद सक्टोरियल टाइप, यानी सकिंग टाइप, ठीक है, क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कहता है डिवाइड ऑफ स्केल्स, इसके ऊपर स्केल्स नहीं होते, ठीक है, और इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होता, इसमें फिशेस की तरह फिन्स नहीं होता, फिशेस की तरह स्केल्स नहीं होता, क्लियर है। और कहता है क्रेनियम एंड वर्ट्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम क्रेनियाटा में आता है तो क्रेनियम तो होगा ही, बट क्रेनियम भी और वर्ट्रल कॉलम भी दोनों कार्टिलेजिनस, ठीक है, अपने लोग में क्या होता है, ठीक है, कहता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और क्रेनियम दोनों क्या होता है, बोन का बना होता है, अपना लोग में वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री का बना होता है, बच्चों में 33 वर्टिब्री का बना होता है, और बोन क्रेनियम बोन 8 बोन्स का बना होता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। फिर क्या है, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये बहुत फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन क्या है, क्लोज टाइप है, यानी क्लोज टाइप, ठीक है, यानी कि इसमें कैपिलरी सिस्टम है। फिर कहता है स्टोमेक इज एब्सेंट, इसमें स्टोमेक नहीं है, और स्टोमेक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि सेक्टोरियल माउथ है, यानी कि डायरेक्ट बना बनाया भोजन, डाइजेस्ट किया हुआ भोजन सिर्फ इसको एब्जॉर्ब करना होता है, तो बस सेक्टोरियल सिस्टम इसका मजबूत होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट ही होगा, ठीक है। फिर कहता है आर्मेराइन, बट सम माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है, देखिए कहता है कि ये मेराइन होता है बट फ्रेश वाटर में जाता है स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग एक प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, यही मैं बता दें आपको, स्पॉनिंग एक प्रोसेस है, स्पॉनिंग एक प्रोसेस है, स्पॉनिंग का मतलब होता है रिलीज ऑफ, ठीक है, रिलीज ऑफ एग, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, कि ये देखिए ये सी वाटर है, सी वाटर है, और ये फ्रेश वाटर है, ध्यान दीजिएगा, सी वाटर का मतलब ये एनिमल है साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा सी वाटर का एनिमल है, और ये इसको जब एक देना होता है ना तो ये जाता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर यानी माइग्रेट करके कहां जा रहा है, फ्रेश वाटर में जा रहा है, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर, ठीक है, रिलीज ऑफ एग, फॉर रिलीज ऑफ एग, और कहता है, ठीक है, एग को रिलीज करके आया, अब एग वहां पे क्या करेगा, फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस करेगा, एक लार्वा में बने डेवलप होगा, लार्वा प्यूपा में डेवलप होगा, ठीक है, यानी कि प्यूपा में डेवलप होगा और प्यूपा एडल्ट में, और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद फिर वो समुद्र में लौट जाएगा। यानी फ्रेश वाटर वो क्यों जा रहा है, फ्रेश वाटर में जा क्यों रहा है, कहता है सिर्फ और सिर्फ स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब रिलीज ऑफ एग के लिए। तो वैसा कोई भी एनिमल, चाहे फीसेज हो, चाहे साइक्लोस्टोमाटा हो, चाहे कोई और हो, अगर कोई सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है, ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर सी वाटर से फ्रेश वाटर में कोई स्पॉनिंग के लिए जाता है, कोई एक रिलीज के लिए जाता है, और मेटामॉर्फोसिस के बाद फिर वो वापस आ जाता है फ्रेश वाटर से कहां, सी वाटर में, तो उसको बोलते हैं एनाड्रोमस फीसेस या एनाड्रोमस एनिमल, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, ठीक है, इसमें ग्रीक है AISF, ये एक्चुअली में AISF जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है। तो ये AISF पे हमने ट्रिक बनाया, ए मतलब एनाड्रोमस फीसेस या एनाड्रोमस एनिमल, आई आई कहां से आई भाई, तो कहता है SF, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, यानी सी वाटर टू फ्रेश वाटर, यानी एनाड्रोमस एनिमल आई, ठीक है, आई मतलब आना, ठीक है, कहां से, सी वाटर टू फ्रेश वाटर, यानी सी वाटर से फ्रेश वाटर में जो आएगा स्पॉनिंग के लिए, फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस चलाएगा, उसको बोलेंगे एनाड्रोमस। और इसका ठीक उल्टा,
केटाड्रोमस। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? केटाड्रोमस। इसका ठीक उल्टा होगा केटाड्रोमस। तो केटाड्रोमस का मतलब क्या होगा बताइए? केटाड्रोमस का मतलब होगा, ठीक है, फ्रेश वाटर टू सी वाटर, यानी फ्रेश वाटर से सी वाटर में जब जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे केटाड्रोमस। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यानी फ्रेश वाटर से सी वाटर में अगर कोई स्पॉनिंग के लिए जाएगा फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद फ्रेश वाटर में वापस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड केटाड्रोमस। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है ये जो एनाड्रोमस है, एनाड्रोमस इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। और ये पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे, पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे ये किसका एग्जाम्पल है? कहता है यही ये एग्जाम्पल है किसका? साइक्लोस्टोमाटा का। देखिए पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे इसके, ठीक है, एग को, इसके लार्वा को हम लोग बोलते हैं एमोसिट्स, एमोसिट्स, एमोसिट्स लार्वा। और ये एमोसिट्स लार्वा जानते हैं क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बिटवीन याद करने कोई जरूरत नहीं। ये देखिए एमओ, एमओ से क्या होगा? ठीक है, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस और सिटीज मतलब साइक्लोस्टोम, यानी एम्फियोक्सस और साइक्लोस्टोमाटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक, साइक्लोस्टोमाटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। यानी एम्फियोक्सस आपका क्या है? सिफेलोकॉर्डाटा, ठीक है, और ये हो गया क्या? साइक्लोस्टोमाटा। दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है एमोसिटस लार्वा। यानी एमोसिटस लार्वा जो है वो, ठीक है, मतलब समझे एमोसिटस लार्वा है किसका? लेम्प्रे का, बट वो देखने में आपको लगेगा कैसा? तो कहता है एम्फियोक्सिस की तरह, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये केटाड्रोमस एनाड्रोमस ये आप समझ गए, ऊपर में लिखा हुआ है केटाड्रोमस एनाड्रोमस एमोसिट्स लार्वा, ये सब समझ गए। एमोसिट्स इज द लार्वा ऑफ लेम्प्रे और पेट्रोमाइजोन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, अब देखिए यहां पे, यहां पे क्या एस्टोमेक इज एब्सेंट, यानी कि साइक्लोस्टोम्स आर, ठीक है, मैराइन, बट, ठीक है, बट क्या है, बट सम, हाँ, बट सम, बट सम माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, बट सम माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ठीक है, ये अभी आपको समझा दिए पूरा का पूरा। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डे दे डाई। देखिए इसमें भी अलग बात है, स्पॉनिंग के बाद ये क्या होता है? डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, जब वो लौटते हैं तो मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि विद इन ए फ्यू डे दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द फ्रेश वाटर, रिटर्न टू द फ्रेश वाटर। ठीक है, रिटर्न टू फ्रेश वाटर। क्लियर है? एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे, पेट्रोमाइजोन और लेम्प्रे। वही दूसरा एग्जाम्पल हैगफिश या माइक्जीन, हैगफिश या माइक्जीन। ठीक है, तो ये हैगफिश और माइक्जीन भी, ठीक है, क्या है? कहते हैं लिमुलस, ये लिमुलस की तरह, हैगफिश और माइक्जीन ये क्या है? तो कहता है हैगफिश और माइक्जीन ये है लिविंग फॉसिल्स। क्लियर है पॉइंट? तो ये इतना पॉइंट है किसमें? साइक्लोस्टोमाटा में। आप समझ गए होंगे, तो साइक्लोस्टोमाटा एक सिंगल क्लास था, किसमें? साइक्लोस्टोमाटा एक सिंगल क्लास था, किसमें एक सिंगल क्लास था साइक्लोस्टोमाटा? तो कहता है एग्नाथा में। ठीक है, अब आते हैं गेंथोस्टोमाटा में। गेंथोस्टोमाटा में दो हमने बताया सुपर क्लास, एक पाइसेस और एक टेट्रापोडल्स। टेट्रापोडल्स में चार ग्रुप होंगे, कौन कौन? एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, उन चार का एक अलग वीडियो बनेगा। और पाइसेस में दो ग्रुप हैं, कौन कौन ग्रुप है पाइसेस में? तो एक आपका है कार्टिलेजनस फीसेस और एक आपका है, ठीक है, बोनी फीसेस, एक कार्टिलेजनस और एक बोनी फीसेस। ठीक है, तो कार्टिलेजनस फीसेस और बोनी फीसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? कार्टिलेजनस फीसेस में जो इंडो स्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना होगा और जो बोनी फीसेज होगा उसमें किसका बना होगा? बोन का बना होगा। ठीक है, उसमें बोन का होगा बना हुआ। तो कार्टिलेजनस फीसेज में इंडो स्केलेटन किसका बना होगा? कार्टिलेज का। और बोनी फीसेज में बोन का बना होगा। उसके अलावा क्या होगा सो बात करते हैं।
ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटाता हूं, क्योंकि अब जो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, तो बोनी फिशेज और कार्टिलेज, इसमें आप हर एक पॉइंट को उस कॉलम के बगल में आप ऐड कर लीजिएगा। आपको तो अलग अलग नोट्स बनाना है, आप साइक्लोस्टोमाटा का अलग से नोट्स बनाइएगा और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा डालिएगा। ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ए से एनाटोमस, आई से आई, कहां से आई, तो समुद्र से फ्रेश वाटर में आई। किसके लिए आई? एस्पॉनिंग के लिए आई, ठीक है। चलिए, और इसमें देखिए याद रखने के लिए, ठीक है, मैं बता दूं, एनाड्रोमस, ठीक है, उसके बाद ये क्या याद रखिएगा, एमोसिट्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या है। अब अगर हम बात करते हैं, पहले तो कॉन्ड्रोथाइस का ही अगर बात करते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोथाइस का, तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ड्रोथाइस का एक तो नाम है कार्टिलेजिनस फीसिस, कार्टिलेजिनस फीसिस, ठीक है, और एक नाम है, ठीक है, इसका नाम है इलेस्मो ब्रेक। क्या नाम है? इलेस्मो ब्रेक, इसका नाम है इलेस्मो ब्रेक, एक इसका नाम है एस्मोब्रेक, यानी कि कार्टिलेजिनस फीसेस के ही मतलब दो और नाम है, ठीक है। एक क्या बोलिएगा? इलास्मोब्रेक, और एक क्या बोलिएगा, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थाइस, यानी कॉन्ड्रिक्थाइस और इलास्मोब्रेक और कार्टिलेजिनस फीसेस तीनों एक ही नाम है। तो कहता है क्या इस ढंग से नाम उसका भी है? कहता बिल्कुल है, कॉम्पेरेटिव स्टडी तो कर रहे हैं, ठीक है। इधर कहता है ऑस्टिकथाइस, ऑस्टिकथाइस, ठीक है, उसके बाद कहता है ये क्या होगा, बोनी फीसेस, बोनी फीसेस, और इसको क्या बोलते हैं, टीलियोस्टोम्स, टीलियोस्टोम्स, इसको बोलते हैं टीलियोस्टोम्स। क्लियर है पॉइंट? यानी ऑस्टिक थाइस और बोनी फीसेस और टीलियोस्टोम्स, ठीक है। यानी कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, कार्टिलेज फीसेस, बोनी फीसेस, इलेस्मोब्रेन, टीलियोस्टोम्स। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये तीन तीन नाम तो हो गए। अब देखिए पांच मैं मेन अंतर बताता हूं, ठीक है, पांच मेन डिफरेंस, उसके अलावा जो नॉर्मल डिफरेंस होगा वो तो हम पढ़ ही रहे, लेकिन पांच मेन डिफरेंस है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए यहां भी गिल्स पाए जाते हैं, यहां भी गिल्स पाए जाते हैं, यहां पे गिल्स में कवरिंग पाई जाती है, यहां पे गिल्स में कवरिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कहता है यहां पे, यानी कि गिल्स कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम, बोलेंगे ऑपरकुलम इज प्रेजेंट, ऑपरकुलम इज प्रेजेंट, और बोलिए यहां पे क्या बोलेंगे, ऑपरकुलम, ठीक है, ऑपरकुलम है क्या, तो बताइए गिल्स कवर है, गिल्स कवर, तो यहां पे क्या बोलिएगा, गिल्स कवर इज एब्सेंट, गिल्स कवर इज एब्सेंट, ठीक है, यानी ऑपरकुलम इज प्रेजेंट, इधर ऑपरकुलम इज एब्सेंट, ठीक है। तो इधर जो ऑपरकुलम एब्सेंट है, ठीक है, यानी गिल कवर क्या है, एब्सेंट है, उधर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आइए फिर कहता है मेन, कहता है इस पे, इसके इस फीसेस के यानी कार्टिलेज फीसेस के बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, उनके बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, इनके बॉडी पे जो स्केल्स होता है उसका नाम है प्लेक्वाइड स्केल्स, फ्लैट स्केल्स होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स, प्लेक्वाइड स्केल्स, और यहां पे जो होता है वो होता है साइक्लॉइड स्केल्स। क्या होता है? साइक्लॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स, टीनोइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स और टीनोइड स्केल्स। बोलिए क्लियर? फिर कहता है यहां पे एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो पॉपुलेशन में मदद करता है, क्लेस्पर, तो कहता है क्लेस्पर्स आर एब्सेंट, क्लेस्पर्स आर एब्सेंट, और यहां पे क्या बोलोगे, क्लेस्पर्स आर प्रेजेंट, क्लेस्पर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, क्लेस्पर्स आर प्रेजेंट। फिर यहां पे आप क्या बोलोगे, ठीक है, यहां पे आप बोलोगे, ठीक है, स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर, ठीक है, और एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है, स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर एब्सेंट है, और इधर क्या बोलोगे, स्विम ब्लेडर, ठीक है,
या एयर ब्लेडर क्या बोलेंगे, प्रेजेंट है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट है, ठीक है, स्विम ब्लेडर और एयर ब्लेडर प्रेजेंट है, फिर आप क्या बोलोगे, ये होता है, ठीक है, वीवीपेरस, वीवीपेरस ये बच्चा को जन्म देता है, और ये होता है ओवीपेरस, ये क्या होता है ओवीपेरस। और कुछ इंपॉर्टेंट कहता है, ठीक है, ये जो होता है, ये होता है एमेनोटेलिक, एमेनोटेलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमेनोटेलिक, और ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ये यूरिया को सेक्रेट करता है, वो अमोनिया को सेक्रेट करता है, ठीक है। कहता है इसमें होता है प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी, और इसमें होता है मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। तो कहता है प्रोनेफ्रिक किडनी और मीजोनेफ्रिक किडनी आप जानिएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेकिन अभी आपको बता दें प्रोनेफ्रिक किडनी में सिर्फ और सिर्फ मतलब वो ऐसा किडनी है जिसमें ग्लोमेरुल्स नहीं होता, और मीजोनेफ्रस में ग्लोमेरुल्स भी होता है, नेफ्रोस्टोम होता है। प्रोनेफ्रस में नेफ्रोस्टोम होता है, ग्लोमेरुल्स नहीं होता, और मेटानेफ्रस में, ठीक है, ग्लोमेरुल्स होगा यानी कि नेफ्रोस्टोम नहीं होगा, यानी कि सिर्फ नेफ्रोस्टोम प्रोनेफ्रिक, दोनों आधा आधा यानी कि दोनों आधा मतलब दोनों मॉडरेट अमाउंट में तो मीजोनेफ्रस, सिर्फ ग्लोमेरुल्स मेटानेफ्रस, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो अब और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उधर मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहां पे क्या है, अब आइए पहले फोनपिक थाइस के बारे में पूरी बात जानिए। अकॉर्डिंग टू ये कहता है ये मेराइन एनिमल, ये मतलब कॉन्डिक थाइस सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, जबकि ये समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, यानी कि ये नॉर्मल पानी में आपके अगल बगल जो भी फीसेज होंगे उनको आप समझ जाएंगे बोनी फीसेज है, तभी तो कांटा चुभता है, उनमें तो आपको कांटा होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो बोनी फिश, ये जो समुद्री समुद्री मछली एक्चुअली इसी को कहेंगे कॉन्डिक थाइस, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सिर्फ पाया जाएगा समुद्र में, ये दोनों जगह पाया जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब एक बात यहां पे और रह गई वो मैं बताई दो, इसमें बड़ा आश्चर्यजनक रूप से एक बात होती है, नोटोकॉड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉड परसिस्ट, याद कीजिए नोटोकॉड परसिस्ट हो रहा था किसमें, सिफेलोकॉडाटा में, यानी सिफेलोकॉडाटा में नोटोकॉड परसिस्ट करता था। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसके जो भी मेंबर हैं, ठीक है, किसके, कॉन्डिक थाइस के, उनको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिफेलोकॉडेट्स एंड, ठीक है, फीसेस, फीसेस और उसके बीच के कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसमें नोटोकॉड परसिस्ट करते, नोटोकॉड परसिस्ट करता था जिसमें, उसको क्या बोलते थे, सिफेलोकॉडाटा, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है, ठीक है। और कहता है यहां पे, ठीक है, कहता है कि नोटोकॉड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट, नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम में क्या होता है, रिप्लेस्ड कर जाता है नोटोकॉड, क्लियर है पॉइंट। तो आइए कॉन्डिक थाइस मेराइन एनिमल, इधर क्या बोलिएगा, दोनों में मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में, इधर स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, प्लेक्वाइड स्केल्स, उधर क्या बोलिएगा, साइक्लॉइड स्केल्स और टीनॉइड स्केल्स, मैं पहले बता चुका हूं, इधर जॉ आर पावरफुल, ठीक है, इधर जॉ क्या है, जबड़े क्या है, पावरफुल, ठीक है, ऐसे भी क्योंकि ये प्रीडेटरी होते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, जैसे शार्क, शार्क जो व्हाइट शार्क होता है, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क, वो इन्हीं के कॉलम का तो है, कार्टिलेजस फिशेस ही तो है, उनके जबड़े बड़े मजबूत होते हैं शिकार करने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए, ठीक है, जो और पावरफुल। फिर उसके बाद कहता है माउथ लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रल साइड में माउथ होता है, यानी कि अपने लोग का जो माउथ है वो वेंट्रल साइड में है, इनके भी माउथ साइड में होते हैं वेंट्रल, जबकि उनके ऊपर में होते हैं माउथ, उनका जो थुथुन्ना होता है ऊपर में होता है, ठीक है। तो कहता है कि टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, इनमें जो टीथ होती है वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स होता है, ठीक है, ठीक है, और बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है। ऑपरकुलम एब्सेंट, इधर आपको क्या था, ऑपरकुलम प्रेजेंट, ठीक है, अच्छा ऑपरकुलम सब में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट एक एनिमल, एक फिश होता है उसको बोलते हैं काइमेरा, काइमेरा एक ऐसा फिश है जो है समुद्री फिश, जो है कार्टिलेजस फिश, बट उसमें, ठीक है, क्या होगा, तो उसमें ऑपरकुलम प्रेजेंट होगा, यानी उसमें गिल कवर होगा, ठीक है। फिर कहता है एयर ब्लेडर,
और स्विम ब्लेडर इज एबसेंट, यानी कि यहां पे एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर नहीं होगा, इसलिए ये डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूअस स्विमिंग के पोजीशन में होता है, यानी कि इट गोज अंडर कंटिन्यूअस स्विमिंग टू प्रिवेंट सिंकिंग, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। तो कहता है कि एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर इज एबसेंट, सो स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। ये सिंकिंग से बचने के लिए हमेशा ये क्या करता है, ठीक है, मतलब स्विम करते रहता है। थर्ड टू चैम्बर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड को आप लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम होता है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और क्या बोलिएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं वाइकिलोथर्मिक, इसी को बोलते हैं इक्टोथर्मिक। और बोलिए इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड का उल्टा वार्म ब्लडेड, वाइकिलोथर्मिक का उल्टा, ठीक है, होमियोथर्मिक, और इक्टोथर्मिक का उल्टा इंडोथर्मिक। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये क्या होता है, ये सॉरी बर्ड्स और रेप्टाइल्स कहते हैं, सॉरी बर्ड्स और मैमल्स, ये क्या होता है, ये होता है होमियोथर्मिक, यानी वार्म ब्लडेड, हम लोग और मैमल्स, यानी कि हम लोग सारे मैमल्स प्लस बर्ड्स, ये होते हैं होमियोथर्मिक या वार्म ब्लडेड, जबकि बाकी सब एनिमल क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाता हूं, प्लांट्स क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, ये मत समझिए उसमें ब्लड नहीं होता है तो उसको वार्म ब्लडेड और मतलब कोल्ड ब्लडेड के कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, उसमें किसी एक कैटेगरी में आता है, आपको खोज के बताना है किसमें आता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो चलिए ये हो गया, यानी कि जो आर पावरफुल इधर, ठीक है, अब ये पूरा मतलब यहां तक हमने आपको बताया था हार्ट टू चैम्बर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब वाइकिलोथर्मिक। अब आइए प्रीडेसियस, ठीक है, कहता है प्रीडेसियस होता है यानी कि मार के खाता है, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कहता है कुछ तो प्रीडेसियस होता है, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे टॉर्पीडो, उसको इलेक्ट्रिक फिश ही बोलते हैं, टॉर्पीडो को, उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट लगेगा आपको, ठीक है। फिर कहता है सम हैविंग पॉइजन ग्लैंड, ट्राइगोन, इसको बोलते हैं स्टिंग रे, स्टिंग फिश, तो कहता है स्टिंग फिश या स्टिंग रे, यानी कि वो उसमें क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस के लिए पॉच होता है। फिर कहता है डायोसियस है, डायोसियस का मतलब अलग अलग सेक्स अलग अलग बॉडी पे, और ये डायोसियस तो है ही, और इसके मेल और फीमेल को आप दूर से देख के पहचान सकते हैं, तो उसके लिए टर्न क्या यूज होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। और कहता है ये विविपेरस है, पहले बता चुके हैं, क्लेस्पर होता है, पहले बता चुके हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अब देखिए ये भी एक यहां पे छुटा हुआ था, यहां पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और यहां पे क्या बोलिएगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, देखिए ये दोनों तो है ही, ये दोनों डिफरेंस की तरह नहीं है, इसका कैरेक्टर इस कॉलम में, इसका कैरेक्टर इस कॉलम में, बट वो डिफरेंस की तरह आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। और उसमें भी मेन डिफरेंस, अगर बहुत कम टाइम आपके पास है तो सिर्फ उसको याद करके आप चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा इस कॉलम से, क्लियर है पॉइंट। और कहता है कुछ समानता भी होता है, 10 पेयर क्रैनियल नर्व इसमें भी होता है, 10 पेयर क्रैनियल नर्व उसमें भी होता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब आइए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एस्कोलियोडोन, किसका एग्जाम्पल, यानी कि कार्टिलेजियस फिशेस का, यानी कि और कॉन्ड्रिक्थाइस का, यानी कि लेसनोब्रेन का एग्जाम्पल एस्कोलियोडोन, इसको क्या बोलते हैं, डॉग फिश, क्या बोलते हैं, डॉग फिश। प्रिस्टिस, इसको बोलते हैं सॉ फिश। ट्राइगोन, इसको बोलते हैं स्टिंग रे, ठीक है। कार्पोरोडोन, इसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, और एक और क्या बताया, ठीक है, टॉर्पीडो को आप क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिक फिश बोलिए, क्लियर पॉइंट। तो ये आपका था कौन, ये आपका था कॉन्ड्रिक्थाइस, ठीक है, ये था आपका कॉन्ड्रिक्थाइस। अब देखिए कॉन्ड्रिक्थाइस को हमने कंपैरिजन कर ही लिया है, किसके साथ, ऑस्टिक्थाइस के साथ, इसलिए ऑस्टिक्थाइस में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो आइए ऑस्टिक्थाइस को भी देखिए, पहले तो नहीं, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, डिस्टिंक्ट वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और कहता है बोथ, ठीक है, मेराइन एंड फ्रेश वाटर,
वो सिर्फ मेराइन में होता था। ये क्या होगा, मेराइन वाटर में भी होगा, फ्रेश वाटर में भी होगा। वहां पे टीथ, ठीक है, मतलब जॉ के अंदर नहीं था, वहां टीथ जो था वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स था और यहां जॉ के अंदर में फिक्स्ड है, ठीक है, टीथ आर इन जॉ। फिर कहता है वहां पे था प्लेक्वाइड स्केल्स, यहां पे क्या है साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। यहां पे था, ठीक है, जो गिल्स था उसके ऊपर ऑपरकुलम नहीं था, यहां पे है फोर पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, अंडर ऑपरकुलम, यानी ऑपरकुलम यहां पे प्रेजेंट है। वहां पे एयर ब्लेडर नहीं था, यहां पे एयर ब्लेडर प्रेजेंट है। हालांकि हार्ट वहां भी टू चेंबर्ड था, हार्ट यहां भी टू चेंबर्ड है, ठीक है। कहता है लंग, बस एग्जाम्पल, एक्सेप्शन क्या है, लंग फिश, ठीक है, एक्सेप्शन लंग फिश, ठीक है, लंग फिश, ठीक है। तो ये जो लंग फिश है इसको हम लोग स्फेनोडॉन भी बोलते हैं, ठीक है, स्फेनोडॉन, हालांकि लिविंग फॉसिल्स हो गए, ठीक है, बट ये कहता है कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, फिशेस एंड एम्फीबियंस, कौन, लंग फिश, क्योंकि तीन चेंबर्ड हर्ट है, तो तीन चेंबर्ड हर्ट तो एम्फीबियन में ही होता है, फिशेस में टू चेंबर्ड ही है, तो ये कनेक्टिंग लिंक है। मीजोनेफ्रस किडनी, मीजोनेफ्रस किडनी पहले बता दी, उधर क्या पाया जाता है, प्रोनेफ्रस किडनी। फिर उसमें क्लोइका एबसेंट, उधर क्या होता है, क्लोइका प्रेजेंट, तो ये भी आपको डिस्टिंक्ट उसमें आता है, तो कहीं पे आप जोड़ दीजिए, क्लोइका एब्सेंट, इधर इधर क्लोइका, क्लोइका, ठीक है, इधर देखिए क्लोइका क्या है आपका, ठीक है, एब्सेंट है, यानी इधर क्लोइका क्या है, प्रेजेंट है, इधर क्लोइका क्या है, एब्सेंट है, क्लोइका एब्सेंट, ठीक है, ये भी अंतर हो गया। अब आइए, ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लड था, ये भी कोल्ड ब्लड, ठीक है, ये सॉरी, ये भी कोल्ड ब्लड होगा, ये भी कोल्ड ब्लड होगा। अब इधर देखिए, अमोनिया इज, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये अमेनोटेली, उधर लिखे हुए अमेनोटेली, बट ये क्या था, इधर अमोनिया निकलता है, इधर यूरिया निकलता है, ये यूरियोटेलिक हो गया, ये अमेनोटेलिक हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है टेन पेयर क्रैनियल नर्व्स, इधर भी टेन पेयर क्रैनियल नर्व्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये विविपेरस था, ये क्या था, ओविपेरस, वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। फिर कहता है इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, इसमें फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल, बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आइए, कहता है इसका एग्जांपल एक्जोसीटस, ठीक है, एक्जोसीटस, ठीक है, ये जो है फ्लाइंग फिश, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश, एक्जोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश, इसको हिप्पोकैम्पस, इसको बोलते हैं हॉर्स फिश, हॉर्स फिश, या इसको बोलते हैं सी हॉर्स, ठीक है, लेबियो, रोहू, कतला, कतला ही बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, क्लेडियाज, क्लेडियाज मांगुर होता है, मांगुर नॉर्मली लोग खाता है, रोहू नॉर्मली लोग खाता है, कतला नॉर्मली लोग खाता है, ये सब फ्रेश वाटर फिशेज है। और फ्रेश वाटर फिशेज के प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, अब बताइए फ्रेश वाटर फिशेज को हम लोग फ्रेश वाटर फिशेज, ठीक है, के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक और हमने दिया, ठीक है, उसको भी खोज के बताना है, इसको भी खोज के आपको बताना है, फ्रेश वाटर फिशेज के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। अब आइए, ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल कतला रोही बता दिए, तो इसके और इसके बीच में जो पूरा का पूरा मतलब मेन डिफरेंस है वो ये है, ठीक है, जिसका ट्रिक भी हम बताएंगे आपको, इसके ट्रिक पे भी, ठीक है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, के ऊपर एक ट्रिक बना हुआ है, वो मैं अलग वीडियो में आपको डालूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए, वो अलग वीडियो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीन ग्रुप क्लियर हो, साइक्लोस्टोमाटा, ऑस्टिकथाइस और कॉन्डिकथाइस, ये तीनों पे ये वीडियो है, बाकी आपको चार ग्रुप का एक साथ वीडियो, लास्ट वीडियो मिलेगा एनिमेलिया किंगडम का, और वो वीडियो क्या होगा, कहते वो वीडियो में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चारों का कॉम्पेरेटिव वहां पे स्टडी होगा, उसके मेन मेन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और मैं यहां पे एक चीज बता दूं, पहले ही बता दूं, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें मैं पहले ही यहां पे बता दूं, इसको मिटा के मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
आप अपना वीडियो देख के इसको नोट कर लेंगे। देखिए बात क्या है, ठीक है, अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, मैं पहले बता दूं, अगर क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, ठीक है, तो ये फीसेस में जो होता है ये होता है टेन पेयर। एम्फीबियस में, एम्फीबिया में भी टेन पेयर, ठीक है, रेप्टाइल्स में ठीक है 12 पेयर, बर्ड्स में 12 पेयर, ठीक है, और मैमल्स में भी 12 पेयर। मैमल्स में भी कितना? 12 पेयर, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मैमल्स में भी कितना? 12 पेयर होता है। बोलिए क्लियर है पॉइंट? यानी फिशेज में 10 पेयर, एम्फीबियन में 10 पेयर, रेप्टाइल्स में 12 पेयर, ठीक है, बर्ड्स में 12 पेयर और मैमल्स में 12 पेयर। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड को आपने क्या बोला, ठीक है, होमियोथर्मिक, तो होमियोथर्मिक में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है, तो कहता है उसमें आएंगे, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, और मैमल्स, बाकी सब कुछ आते हैं किसमें, ठीक है, वो आते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना है। जहां तक हर्ट की बात है, तो हर्ट आपको पहले भी बता चुके हैं, हर्ट टू चेंबर, ठीक है, टू चेंबर फीसेस, चाहे कोई भी हो, ऑस्टिक थाइस हो या कॉन्डिक थाइस, थ्री चेंबर, ठीक है, एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और अगर फोर चेंबर की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। तो ये सब पॉइंट क्या है, कॉम्पेरेटिव स्टडी में आपको मदद करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपको स्टडी में काम आएगा। बोलिए क्लियर? चलिए, तो ये आपका एक कंप्लीट वीडियो हो गया, ठीक है, ये आपका वीडियो शायद 35 मिनट का बना है, 35 से 40 मिनट का, तो इसको आप पूरा का पूरा स्टडी, इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लास्ट में वीडियो में डाल रहा हूं, ठीक है, जिससे आप इसका अच्छा से नोट्स बना सकते हैं, पूरा डिटेल, ठीक है, मैं इसका इसमें डाल रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच। एनिमेलिया किंगडम के लास्ट वीडियो का वेट कीजिए आप। टेक केयर।